नमस्कार दोस्त, आज हम तुरई और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, इसलिए हमने दो टमाटर ले आए हैं, 1 पाव किलो तुरई है, थोड़ा सा कड़ी पत्ते हैं, 4-5 हरा मिर्ची है मैंने कूट के रखा है, थोड़ा सा लहसुन है वो भी मैंने कूट के रखा है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में छोटे वाले चम्मच से 3 चम्मच ऑयल लेना है। ऑयल को अच्छा गर्म होने देना। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई डाल देंगे, जीरा चटकने के बाद हरा मिर्ची डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल देंगे। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छा थोड़ी देर पका लेना है। अब हम इसके अंदर तुरई डाल देंगे, तुरई को भी अच्छा मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, मसालों को भी अच्छा मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे, 1.5 गिलास पानी था डालो मैंने। देखिए दोस्तों, मैंने पानी डाल दिया है, सब रेडी है। अब इसको मीडियम गैस पर 2-3 मिनट पकाना है। देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी अच्छा मिक्स कर देंगे और इसको और 2-3 मिनट पकाना है मीडियम गैस पर। देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट के बाद सब्जी पक के तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, इसको भी अच्छा मिक्स कर देंगे। एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, ऐसा सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ खाइए। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों ऐसा तुरई का सब्जी।